जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिभाशाली पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और उड़ीसा से आने वाले चुनिंदा क्रिकेटरों में से एक देवाशीष मोहंती के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट। 1997 से 2001 के बीच देवाशीष मोहंती ने भारत के लिए दो टेस्ट और 45 एकदिवसीय मैचों में कुल 61 विकेट लिए। वहीं घरेलू स्तर पर मोहंती के आंकड़े बेहतरीन रहे, 117 प्रथम श्रेणी, 129 लिस्ट ए और 8 T20 मैचों में उन्होंने 21 के अविश्वसनीय औसत से 586 विकेट लिए। मोहंती ने कुल 19 बार मैच में 5 से अधिक विकेट लिए और 3 बार 10 विकेट का आंकड़ा भी पार किया। देवाशीष सर्वेश्वर मोहंती का जन्म 20 जुलाई 1976 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। हालांकि 1994 तक मोहंती ने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट तक नहीं खेला था, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी अचूक थी कि आने वाले 3 साल के अंदर वे भारत के लिए खेलने वाले थे। 90 के दशक के मध्य में भारतीय क्रिकेट टीम मोहम्मद अजहरुद्दीन के अंडर बेहद कमजोर थी और अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। एकमात्र सचिन तेंदुलकर पूरी टीम का बोझ अपने ऊपर ढो रहे थे और कुंबले श्रीनाथ के अलावा कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था जो जरा भी प्रभाव डाल सके। ऐसे में उड़ीसा का एक युवा तेज गेंदबाज देवाशीष मोहंती, जो गति से गेंद को दोनों ओर स्विंग करने में सक्षम था, एक बड़ी उम्मीद की किरण के रूप में भारतीय क्रिकेट में उभरा। 1997 में भारत ने कुछ मध्यम तेज गेंदबाजों को आजमाया। अभय कुरुविल्ला और हरविंदर सिंह को भी खेल के उच्चतम स्तर पर खेलने का मौका मिला, हालांकि उन्हें चयनकर्ताओं का ज्यादा विश्वास प्राप्त नहीं हुआ। मोहंती, जिन्होंने इसी साल अपना पदार्पण किया, 2001 तक चयन के लिए संभावित गेंदबाजों में बने रहे, लेकिन अजीत अगरकर, जहीर खान और आशीष नेहरा जैसे गेंदबाजों के आगमन के बाद उनका श्रीनाथ के साथ टीम में शामिल हो पाना लगभग असंभव था। मोहंती ने 1997 में भारत के श्रीलंका दौरे में अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की थी। सनत जयसूर्या, रोशन महानामा और अरविंदा डिसिल्वा जैसे श्रीलंकाई दिग्गज उनके पहले 3 विकेट थे। उन्होंने कोलंबो में 78 रन देकर 4 विकेट लेकर पारी का अंत किया, लेकिन दुख की बात यह है कि ये आखिरी बार था जब मोहंती ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में विकेट प्राप्त किया। इसी साल उन्हें 3 कुल और पारियों में गेंदबाजी करने का मौका मिला,